सागर शहर की तरफ हम बात बढ़ रहे हैं। श्री राम नारायण पानी पूरी सेंटर, सूखी फुल्की मांगने पर चार्ज अलग से लिया जाएगा। ये दुकान मकरोनिया में है, सागर मकरोनिया। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जयपुर से किससे आए थे? थोड़ा सा है। मेरे आंसू निकल आए, ये मत समझिएगा कि ये गम के आंसू है। ये सही है, दिल हरियारा आ गया। मेरा हजम थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, लेकिन बहुत प्यारा है। खा तुम रहे हो, मुँह में पानी मेरे आ रहा है। बहुत हाजमा पुदीना और जो आपका लहसा, बहुत प्यारा। एक बार पानी फिर से ऐसे थोड़ा ऐसे ऊपर ऊपर करके दिखा दीजिए। ये देखिए, ये कौन सा पानी है? ये जीरा पानी है। जीरा आगे, ये लहसुन पानी है। लहसुन का लहसुन लहसुन से बनाते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये अपना हाजमा जो पानी है, जिससे हाजमे के लिए रहता है। अच्छा, ये अपना पुदीना पानी है, ये पुदीने के लिए बनाते हैं। अच्छा, ये रेगुलर जो अपने जनरली सभी जगह मिलता है, ये वो बनाते हैं। अच्छा, शुरुआत से ही फ्लेवर लेके बना रहे हैं या फिर नहीं? बाद में पहले सिंगल पानी चला देते थे। अच्छा, ये बात रेगुलर। उसके बाद क्या है कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपन को बिजनेस की तरह का अपन को पता है कि लोग को क्या चाहिए इस समय। तो ये अपन बाहर जाके ये सीख के आए थे। कहाँ से सीखे थे? ये अपन जयपुर से सीख के आए थे। जयपुर से सीखा था अपन ने। ग्राहक को पसंद आता है? ग्राहक को सबसे ज्यादा पसंद आता है। सबसे मेन चीज इसमें साफ सफाई रहता है, हाथ का कोई काम नहीं। हाइजीन का इस्तेमाल करते हैं सब। इसमें अपन सब में छेद है, हाथ से अपन ढंकी से खिलाते हैं। इसमें अपने जैसे आलू का मसाला लगाना है तो ये अपन पुदीने यानी ये फुल्की के लिए आलू ये लगा चम्मच लेते हैं, यानी अपन को कुछ नहीं करना। चलिए रेगुलर से हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, रेगुलर से शुरू करें। ये हम पहली पानी पूरी ले रहे हैं, ये लीजिए, जो रेगुलर है। आप लोगों का रेगुलर का मतलब जो आमतौर पर हर जगह पे पानी को मिल जाती है, वहीं से शुरू करेंगे और फिर स्टैंडर्ड की ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल नॉर्मल है, आप थोड़ा सा मीठापन है, हो सकता है मेरे आंसू निकल आए, ये मत समझिएगा कि ये गम के आंसू है। अब ये पुदीना का पानी, ये भी हाजमे के लिए अच्छा है। हाँ, ये खट्टा रहेगा थोड़ा। जी, ये सही है, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, थोड़ा दिल हरियारा आ गया। दिल हरा हो गया है। अब ये हाजमा है, मेरा हाजमा थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है, इसको टेस्ट करके देखते हैं। खत्म कर रहेगा, सबसे ज्यादा यही चलता है, ये वो लहसुन। अच्छा, सबसे ज्यादा लहसुन यूज करते हैं। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, बहुत अच्छा है। अब इसको देखते हैं, लहसुन पानी, लहसुन थोड़ा कड़क होता है, अब इसको देखते हैं कितना कड़क है। थोड़ा गरम भी होता है, लहसुन तो बहुत सुखा, लेकिन बहुत प्यारा है। खा तुम रहे हो, मुँह में पानी मेरे आ रहा है, बहुत ही प्यारा है, मैं ऐसे भी यही कहूँगा। ये सागर है ना? सागर, ये सागर मकरोनिया है। ये सामने होटल पैराडाइज है, सामने रिलायंस स्मार्ट, ये मकरोनिया है ना? ये मकरोनिया में ये भी खाओ, दिखा दो। लेकिन जैसा कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा था, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमें लगा थोड़ा तीखा लगेगा। ये जीरा है। अच्छा, ये थोड़ा सा कम है। हाँ, लेकिन इसमें हाजमा पुदीना और जो आपका लहसा था, बहुत क्या। ये दुकान मकरोनिया में है, सागर मकरोनिया। और आप देख सकते हैं सामने है बैंक ऑफ बड़ौदा, सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने है बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस का स्मार्ट सुपर स्टोर है, और इसके सामने है होटल पैराडाइज। इस जगह में ये दुकान स्थित है, श्री राम नारायण पानी पूरी सेंटर।
और जैसा देख सकते हैं इनका जो फ्लेवर है, 5 फ्लेवर वो लिखा हुआ है, जीरा, लहसुन, हाज माजम, पुदीना और रेगुलर। और एक और खास बात है इस दुकान की कि सूखी फुल्की मांगने पर चार्ज अलग से लिया जाएगा। पीछे चाट सेंटर भी आपका ही है? हाँ, पीछे चाट सेंटर भी आपका सेंटर, पाव भाजी सेंटर सब मेरा है। पाव भाजी मेरे यहाँ सभी तो जितने भी स्पेशल आइटम सभी अपन अवेलेबल। अच्छा, पेटिस मिलेगा, पाव भाजी मिलेगी, चाउमीन सभी कुछ मेरे यहाँ है। हाँ, सबसे मेन मेरा फुल्की का है, लेकिन मेन। हाँ, तो ये आप जयपुर से सीख के आए थे जी? मुझे आपके यहाँ की सबसे जो अच्छी चीज लगी, एक तो 5 वैरायटी मिलती हैं, दूसरी चीज जो आपने हाइजीन को मेंटेन किया है, मतलब हर जगह आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। सागर शहर में ये हमें अलग तरह का होटल मिला, इसका नाम है होटल पैराडाइज। देखने में काफी खूबसूरत अलग तरह की चित्रकारी की गई है। एक अलग तरह का होटल है, बिल्कुल अलग थीम से बनाया गया होटल पैराडाइज। हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में गढ़ा कोटा पहुंच चुके हैं। बढ़िया बढ़िया, एक नंबर कार्य कर रहे हैं, सभी के हित में कार्य कर रहे हैं, सार्वजनिक। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को गैस दिया जाए, फिर किस लिए नहीं दिया जा रहा है सर? थोड़ा सा आप ये बता दें बस। पूरी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी